फ्रेंड्स, मेरी कविता टॉक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेस के बारे में जानकारी दूंगी कि हमें कौन सी लेस किस में यूज करनी चाहिए और ये जो हमें लेस मिलती है कितने रुपए मीटर मिलती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी साथ के साथ। तो जिसके लिए देखिए, जो मेरे पास लेस मतलब अच्छे से रखी थी वो तो अच्छे से ही रखी है, बाकी मैंने ऐसे ही अपनी जिसमें भी रखी थी वो ऐसे ही रख ली है। बाकी आप देख ही सकते हैं किस तरीके से ये उलझी पड़ी है, तो इनको मैं आपके सामने ही दिखाऊंगी और अच्छे से सेट भी करती जाऊंगी साथ के साथ, क्योंकि जो यूज में आती हैं उनको मैंने साइड में रखा है, लेकिन जो यूज में थोड़ी कम आती हैं मेरे, जैसे ये चौड़ी वाली लेस है, ये लहंगे की लेस है, तो ये कम यूज में आती हैं, तो इनको मैंने एक पोलोथीन में भर के ऐसे ही बंद करके रखा था। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये सब इनमें है क्या क्या, क्योंकि ये काफ़ी दिनों पहले की बंद रखी हैं, बट मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने अभी अपनी पोलोथीन को ऐसे पलट के देखा तो ये सारी चीज़ें उसमें से निकली हैं। तो चलिए आपके सामने ही देख लेते हैं सभी को। तो देखिए, ये जो ये गोल्डन लेस है ये वाली, इसे हम लहंगे में यूज करते हैं, जो लहंगे का बॉर्डर बनाते हैं उसमें ये यूज की जाती है। और जो इसका प्राइस है, ये सब मैंने सीलमपुर मार्केट से खरीदी थी, कुछ मैंने यहाँ से भी खरीदी है पुणे से और कुछ मैंने सीलमपुर मार्केट से खरीदी थी। तो ये जो मुझे पूरी लेस का ये पूरा बंडल, जिसमें करीबन 9 मीटर लेस थी, मतलब जो लहंगे के लिए काफ़ी थी, वो मुझे शायद 120 रुपये में पड़ा था ये वाला बंडल। ठीक है, ये हो गया। और ये है हमारी पाइपिंग, जैसे किसी किसी को पाइपिंग बनानी नहीं आती है तो ये कई कलर में मिलती है, गोल्डन में, ब्लैक में, जिसे आप कुर्ती गले के ऊपर, और इसमें धागे वाली पाइपिंग है ये, मतलब इसमें धागा है और गोल्डन इसमें कपड़ा लगा हुआ है। ये मुझे पूरा जो बंडल है ये, इसमें काफ़ी ज़्यादा है, शायद 20 मीटर बताई थी उन्होंने, अब मैंने यूज भी कर ली है इसमें से कुछ, तो ये मुझे शायद 50-60 रुपए में पड़ी थी सीलमपुर मार्केट से। थोक में खरीदते हैं तो वहाँ पे सस्ता मिलता है सामान, तो मैंने बहुत सारी ली थी तब मुझे जाके ये इतने में पड़ी। ठीक है, और देखिए ये वाली लेस थी, इसका भी पूरा बंडल था, इसका मुझे अभी प्राइस याद नहीं है, बट आप इसे अपनी मार्केट से खरीदोगी तो ये मैं बताती हूँ आपको 25-30 रुपए मीटर तो पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी लेस है। इसे कुर्ती में हम यूज कर सकते हैं, कुर्ती के बॉर्डर में, गले में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे हमारे पास ये हर प्रकार की लेस है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो ये वाली लेस है ये पतली है। ठीक है, इसको मैं दिखाती हूँ, ये मैंने यहाँ पुणे से ही खरीदी है, ये 5 रुपये मीटर पड़ी थी मुझे, ये देखिए 5 रुपये मीटर मैंने खरीदी है। तो ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इसे आप किसी भी साइड को घुमाओगे तो इजीली किसी भी गले के ऊपर फिट बैठ जाएगी। ठीक है, और जैसे कि ये चौड़ी लेस है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसे घुमाते हैं, घुमाव देते हैं, गोल गले पे लगानी है हमें, तो इसमें थोड़ा सा क्या करना होता है हमें, इसमें ऐसे छोटी छोटी प्लेटें डालनी होती हैं इस तरीके से, वो मैं आपको किसी दिन एक अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगी कि कैसे इन्हें गले के ऊपर हम लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्हें लगाना आसान भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इसे ज़्यादा चौड़ी खरीदोगे तो शायद मुश्किल हो सकती है। और देखिए, ये भी गले के ब्लाउज में लगती है, ये भी काफ़ी अच्छी है, ये भी मैंने शायद यहीं से खरीदी है, ये शायद मुझे 10 रुपये मीटर पड़ी थी। और उसके बाद ये मुझे 100 रुपये में 9 मीटर लेस पड़ी थी, यहीं से पुणे से ही, जहाँ से मैं कपड़े लाती हूँ उसी शॉप से मैंने ली थी, ये मैंने पूरी यूज़ कर ली है। और जो ये वाली लेस है ये मैंने सीलमपुर मार्केट से ही खरीदी थी, इसका जो बंडल था वो मुझे 150 रुपये का पड़ा था पूरा, और ये काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इस लेस की। इसमें हमारा जो धागा होता है जिसको हम वायर बोलते हैं, उस वो इसमें लगा हुआ है और इसमें पूरा अच्छे से काम किया गया और काफ़ी अच्छी लेस है। ये भी गले के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ये जिगजैग वाली लेस बोलते हैं इसको, तो ऐसी लेस आप अपने कुर्ती के लिए खरीद सकती हैं। ठीक है, और देखिए ये चौड़ी वाली लेस है, ये हम हमेशा लहंगे पे ही यूज करते हैं क्योंकि ये चौड़ी है, ये मैंने अभी एक लहंगे पे लगा के दिखाई थी। और उसके बाद ये भी चौड़ी लेस है, ये सब मैंने ऐसे पैक कर करके रखी है क्योंकि फिर ये ना उलझ जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर कपड़ा बांध रखा है। ये भी मेरी 9 मीटर है, अभी मैंने इसका यूज नहीं किया है, तो ये भी लहंगे के लिए ही है। ठीक है, और देखिए ये वाली जो ग्रीन वाली है, ये वाली भी हम गले के ऊपर लगा सकते हैं और ये भी अच्छी फ्लेक्सिबल है, इसे भी हम किसी भी साइड को घुमा के लगा सकते हैं। अगर बाई चांस आपके पास कोई सी चौड़ी लेस है, अगर गोल गले में लगानी है, तो इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट आ जाती हैं और वो प्लेट दिखाई भी नहीं देती हैं, उसका वीडियो स्पेशली हम बनाएंगे अपने कविता टॉक चैनल पर ही डालेंगे, जैसे कि हमने बताया, इस पर यूजफुल वीडियो आपको मिलेंगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकती हैं, ये साड़ी वाली लेस है, इसे हम साड़ी में लगा सकते हैं, ये मैंने साड़ी के लिए ही खरीदी थी, जैसे कोई प्लेन साड़ी लेके और उसमें आप इसको लगा सकती हैं। तो ये हो गया, ये भी मुझे शायद
150-200 की ही पड़ी थी जहां तक मुझे याद है, क्योंकि काफी दिन पहले खरीदी थी मैंने। और देखिए ये गोल्डन दो प्रकार की होती है, एक थोड़ी डार्क होती है, एक थोड़ी ग्रीन होती, सॉरी हल्की होती है। तो ये दोनों हो गए, और ये वाली भी मैंने दिखा दी। और ये वाली हमारी पाइपिंग वाली लेस बोलते हैं इसको, जैसे कि हम इसे कहीं पे भी लगाएंगे तो हमारा सिर्फ यही पार्ट दिखेगा, जो ये अंदर वाला पार्ट है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये अंदर चला जाता है। तो ये भी मैंने बहुत सारी वीडियो में लगा के दिखाई है। ये मैंने यहीं से पुणे से ही खरीदी थी, ये मुझे 10 रुपये मीटर पड़ी थी यहाँ से पुणे से। तो ये मैंने 9 मीटर खरीदी थी पूरी, क्योंकि मैं जब लेती हूँ तो ज़्यादा ही लेती हूँ। और देखिए ये गूंज वाली लेस बोलते हैं इसको, ये मैंने सीलमपुर से ही खरीदी थी इसका जो। तो देखिए ये भी मुझे 9 मीटर ही मिली थी, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने पतली लेस यहीं से पुणे से ही खरीदी है, तो ये मुझे 5 रुपये मीटर पड़ी थी। और इसमें हमारी करीबन 20 मीटर लेस है, इस पे लिखा होता है 20 मीटर, ठीक है। और देखिए ये डोरी है जो हम उसमें लगाते हैं ब्लाउज वगैरह में, गोल्डन कलर की डोरी है, हर किसी में चलती है। तो ये 25 मीटर है, इसमें देखिए इस पे लिखा होता है 25 मीटर। तो उस पे आप देख लें, और पूरी पैकिंग अच्छे से मिलती है, और इसे आप अलग भी ले सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा, लेकिन जब हम पूरा खरीदते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा फायदा हो जाता है, और वो थोड़ा बहुत कम भी लगा लेते हैं। तो आप इसमें 2 मीटर 3 मीटर भी खरीद सकती हैं। ये भी मुझे 5 रुपये मीटर ही पड़ी थी यहाँ से पुणे से, ठीक है। अभी ये हो गया, और देखिए फ्रेंड्स ये है, इसको हम मोहरी में यूज करते हैं। वैसे मैं बुकरम का वीडियो एक अलग से बनाने वाली हूँ, लेकिन ये इसी में निकल पड़ा तो मैं इसको दिखाई देती हूँ। इससे जो पतली वाली मोहरी बनती है, जैसे कोई कोई चौड़ी मोहरी पहनता है, वो पतली पहनता है, तो उसके लिए ये मिलता है अलग से, ये 25 रुपये में मिलता है। इसमें करीबन हमारा 15 मीटर आया था, बाकी का मैंने यूज कर लिया है इसमें से। और जो चौड़ी मोहरी होती है, उसके लिए भी मैं बुकरम दिखाऊंगी, हम कौन सी बुकरम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। और देखिए इसको पॉम पॉम वाली लेस बोलते हैं। आजकल ये दुपट्टों में बहुत जोरों से चल रही है, मतलब दुपट्टे में किसी में भी, वैसे तो कुर्तियों में भी आजकल लोग इसको लगा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे कलर थे इसमें, ये मैंने वहीं से खरीदी थी सीलमपुर से ही, और इनका मुझे याद नहीं है प्राइस, लेकिन हाँ ये आपको अपनी लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगी, 10 से 15 रुपये मीटर मिल सकती है मैक्सिमम यहाँ पे अपनी साइड। और उसके बाद देखिए ये नग वाली लेस होती है, ये वाली, इसको कैसे लगाते हैं, इसको काट काट के लगाते हैं, जैसे कि हमें कहीं गले के ऊपर लगानी है, तो इसमें ये काफी चौड़ी आई थी, अभी तो मैंने काट काट के इसको छोटा कर लिया इसको। तो इसमें जैसे कि हमें एक लेयर लगानी है, तो हम एक लेयर को ही कट करेंगे, हमें दो लेयर लगानी है तो हम दो लेयर को ही कट करेंगे। और ये बहुत अच्छी लगती है, जैसे हम कोई ब्लैक कलर की कुर्ती बना रहे हैं, और ब्लैक कलर की कुर्ती पे हम ये नग वाली लेस लगाएं, तो ये बहुत अच्छी लगती है। और ये मुझे 25 रुपये मीटर पड़ी थी होडल से, ये मैंने अपने साइड से खरीदी थी, मतलब जहाँ पे हमारा ससुराल है वहाँ की मार्केट से मैंने इसको खरीदा था, ठीक है। अभी ये हो गया, और देखिए फ्रेंड्स ये भी साड़ी वाली लेस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है कि इसमें से जो इसकी किनारी है, वहां से इसकी जो पाइपिंग है वो निकल रही है, इसीलिए मैं इसका कुछ करूंगी, या तो मैं इसका बीच वाला पार्ट यूज करूंगी। तो आप जब भी कोई लेस खरीदें तो ध्यान रखें, जब मैंने खरीदी थी तो ये काफी अच्छी थी, लेकिन उसका ये जो साइडों वाली ये हम पाइपिंग रहती है, इसको अच्छे से देख के ही खरीदें, क्योंकि ये बाद में निकलती है, और कुछ लेस के साथ इर्ज इर्ज के भी है ऐसी हो गई। ये भी लेस ही है, पता नहीं काफी दिन की पड़ी है, लेकिन हाँ ये भी गले वगैरह के लिए ही होगी। और देखिए ये भी काफी ज्यादा थी, ये 25 रुपये मीटर आई थी, ये काफी अच्छी लेस है। ये सब जो खत्म होती जाती है मैं उनको बांध देती हूँ, ताकि वो एक दूसरे में उलझे ना, तो इस वजह से जो भी थी वो मैंने आपके सामने। और देखिए ये रिब्बन होते हैं, इन रिब्बनों का हम कुर्ती में यूज कर सकते हैं, इनसे बहुत सारी फ्लावर बना सकते हैं बच्चियों के फ्रॉक के लिए। और देखिए मतलब ये चौड़े में भी आते हैं, जैसे कि देखो मैं दिखाती हूँ, जैसे मैंने गला बनाया था उसके लिए मैंने ये डिजाइन बनाया था, ये मैंने इसी से बनाया था, इस वाले रिबन से ही। तो हम गले में या फिर किसी में भी ऐसे डिजाइन बना के लगा सकते हैं, आप देख सकती हैं ये इसी में पड़ा है, जब से मैंने एक गला बना के फिर बाकी के जो बच जाते हैं उनको मैं रख देती हूँ। इससे हम कुछ भी बना सकते हैं ये रिबन, और ये मेरे पास कई कलर में थे, अब तो बाकी के खत्म हो गए हैं। देखो मेरा चौक का डब्बा भी मिल गया, मैं इसे ढूंढ रही थी काफी दिनों से, अब ये भी मिल गया, अच्छा हुआ। और देखिए ये जो हमारी पतली वाली लेस है, इसे हम कढ़ाई में यूज करते हैं, ये सब ऐसे ही इर्जी पड़ी, इनको अच्छे से रखूंगी सुलझा के। ये वाली लेस थी, इससे मैंने अपना एक दुपट्टा बनाया था, ये खत्म हो गई है, लेकिन हाँ इसके टुकड़े पड़े हैं, कुछ जो बचे थे वो इसके टुकड़े पड़े हैं, और बाकी का हम देखते हैं इन सब में क्या है, क्योंकि मैंने इनमें देखा ही नहीं है अभी तक खोल के।
बाकी इनको मैं बाद में अच्छे से सेट करूंगी, इनको साइड में कर देती हूँ और इसमें दिखाती हूँ इसमें क्या है। इसमें मेरा जो मैं वीडियो बनाती थी घर के, जैसे मैं पहले पता है कैसी वीडियो बनाती थी अपने चैनल पे, ये देखो 500 रुपए खजाने भी मिल रहे हैं सारे पैसों के। ये कह रहे थे ना एक बार, बोला था कि पैसे बंद, मतलब 5 रुपए बंद हो जाएंगे, तो मैंने क्या किया था, जितने भी मेरे पास थे मैंने सभी स्टोर कर लिए, इतने सारे ये भी मेरे इसी में पड़े। मैं एक बार इनको मैंने ढूंढा भी कि कहाँ गए, मैंने रखे तो थे बाकी, चलो ये भी मिल गए। और देखिए ये वाले जो स्टोन होते हैं, जो मैंने अभी गला बनाया था कढ़ाई वाला, ये मेरे अलग भी रखे हैं, मैं अलग भी रखती हूँ, और जो बाकी के ज़्यादा होते हैं उनको मैं एक जगह भर के रख देती हूँ। बाकी मैंने छोटी छोटी बोतल होती हैं उनमें भर के रखा है इन्हें, जैसे मैं यूज करती हूँ। तो ये सब मैंने सीलमपुर से, ये वैसे मिलते हैं, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना तोल के हिसाब से, उसमें मिलते हैं ये। और ये लड़ियाँ आती हैं इसमें, हम इसे घर के उसमें, जैसे घर को कुछ हमें डेकोरेट करना है उसके लिए बनाना है, ये सब कढ़ाई वाले मोती हैं, ये सब मतलब सब मेरा ऐसा ही सामान। इसमें सितारे हैं, ये तो आपको छोटे छोटे जो मिरल होते हैं कटे हुए, ये दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े आपको, ये फ्लावर हैं, मतलब इसमें यही सामान भरा पड़ा है। और ये हमारी हॉल पिन है, जैसे मैं पहले यूज करती थी, लेकिन क्या हुआ ये थोड़ी छोटी थी तो मैंने फिर बड़ी वाली ले ली, तो इसका डब्बा ऐसे ही पड़ा है। और बाकी का देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, इसमें जैसे मैं फ्लावर बनाती हूँ से कुर्तियों के लिए, तो फिर जो बच जाते हैं उनको मैं ऐसे भर के रख देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कुर्तियों के लिए बनाए थे शायद मेरे हिसाब से, तो उसमें से बच जाते हैं तो उनको मैंने इसमें भर के रखा है। रख तो मिल मतलब रखी तो चीज़ ऐसी होती है कि वो अच्छे से रखी होती है, लेकिन वो टाइम पर नहीं मिलती है। और इसमें भी देख लेते हैं, इसे काफ़ी देर से ये कैमरे में ही आ रही थी, इसमें क्या रखा है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि इनमें है क्या। इसमें देखिए वो है बीट्स हैं इसमें, जैसे हम वो नहीं बनाते, वो छोटी वाली सिस्टर का चैनल है मेरा, वो ऐसे बनाती है, मैक्रेम का बनाती है वो सामान, निशा भाटी के नाम से उसका चैनल, आप देख सकती हैं। तो ये मैंने उसी से लिए थे शायद, किसी कुछ बनाने के लिए, ये मैक्रेम वगैरह का होता है उसमें, ये धागा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं। अभी तो कुछ लेस तो मेरी अभी इधर उधर कोई पड़ी होंगी, क्योंकि जैसे ही घर शिफ्ट किया था तो जो सामान हमें मिला था वो हमने ऐसे ही रख दिया था बाकी। और देखिए चौड़े वाले शीशे हैं, जैसे घर में हम यूज करते हैं कुछ, हमें घर के लिए डेकोरेट करना है या कुछ बनाना है, पूरा सामान मिलेगा आपको मेरे पास, लेकिन बस बनाने की वो है देर। लेकिन हाँ, और देखिए ये नग वाली लेस है, ये भी मैंने लेस मैंने बहुत सारी खरीदी थी, मतलब मेरे पास करीबन क्या बताऊँ मैं आपको, हर कलर मिलेगा लेस इसका, क्या बोलते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कलरफुल जिप होती हैं, जैसे कि हमें ग्रीन कलर की कुर्ती बनानी है तो हम बैक में इसको लगा सकते हैं, फ्रंट में लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, इसमें मैंने दो कलर लिए थे, एक गोल्डन था और एक ग्रीन था। तो ये 25 रुपए की एक लेस है, बाकी इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें रिबन है, ये देखिए ये भी मैंने बनाया हुआ है। कि फ्रेंड जो ये हमारी लेस है इसको हम गले में यूज कर सकते हैं, कुर्ती के बॉटम पे गले पे, आप देख सकती हैं बहुत सुंदर सा इसका डिजाइन है। इसका वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है, आप देख सकती हैं। और देखिए ये भी मैंने इससे ही बनाया था, जो अपने होते हैं ये रिबन, इस रिबन से इस लेस को हमने बनाया था। इसकी चौड़ाई करीबन हमारी 1 इंच से थोड़ी सी कम रहती है और इसकी हमारी 3 इंच रहती है चौड़ाई, तो ये इंचों के हिसाब से मिलते हैं। और देखिए ये भी पाइपिन है हमारी जो गोल्डन कलर की, ये इससे अलग है, इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, थोड़ी सी महंगी मिलती है, 5 रुपये मीटर शायद 6 से कुछ मिलती है, ये खुले में ही ली थी मैंने, ठीक है। और ये हमारे रिबन है जो पहले यूज करती थी हमारी मम्मियाँ वगैरह। और देखिए मिल गई मुझे जिप भी, देखते हैं इसके अंदर भी क्या क्या है। ये देखिए मैंने बोला था ना आपसे मेरे पास बहुत सारी कलरफुल हैं, ये सब मैंने सीलमपुर से ही खरीदी थी। ये देखिए हर कलर में आपको मेरी ये जिप मिलेंगी, मतलब किसी भी कलर की आप कुर्ती के लिए ले सकती हो, मंगवा सकती हो। ये और देखिए ये सेलो टेप है, बच्चों के प्रोजेक्ट वगैरह में या फिर मैं घर का पहले बनाती थी तो उसमें काम आती। और देखिए छोटी वाली सीजर है, ये भी मैंने पूरी ही खरीद ली थी, मतलब जब मैं दिल्ली गई थी एक बार
तो वहां से मैंने इनको पूरा ही, लेकिन ये पता है इसमें क्या प्रॉब्लम है इनका, ये चलाते चलाते ना ये ऐसे लूज हो जाता है, तो इस वजह से मुझे ये पसंद नहीं आई, तो मैंने फिर अलग से ही खरीदी हैं दो। तो ये अभी रखी हैं जितनी बची हैं। और देखिए ये बैग वाली जिप हैं जो हम बैग वगैरह में यूज करते हैं ना, ये वो वाली जिप हैं, ये भी काफ़ी सारी थी, अभी आधी पता नहीं कहाँ रखी होंगी। और ये हमारी चौड़ी वाली लेस होती हैं जिसे हम कुर्ती में, कुर्ती के बॉटम पे ऐसे लगा सकते हैं। इसके बहुत सारे कलर थे मेरे पास पहले। और देखिए ये गले हैं, ये भी मैंने वहीं से खरीदे थे। जैसे क्या होता है इसमें कि इसमें गला बना हुआ होता है, ये देखिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको, ये गला बना हुआ मिलता है आपको, ठीक है, ये सस्ता ही मिल जाता है। और इसको क्या करना है आपको, सिर्फ कटिंग करके और प्लेन कुर्ती के ऊपर लगाना होता है। बहुत ही सुंदर एक डिजाइन बन के आता है ना इसका, आप कहो तो मैं इसकी वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी कि कैसे इसको बनाते हैं, तो नीचे कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो इतनी जोर से भाग रही है ना, चीजें तो बहुत सारी हैं जो कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन फिर मैं किसी दिन फिर दिखाऊंगी, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।